अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स और एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 के आपने सेकंड और थर्ड पार्ट हमने सॉल्व किया था। इसका फर्स्ट और इसका फोर्थ पार्ट रह गया था, वो हम सॉल्व करेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए हमने इनको सॉल्व करना है, सो देखते हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, आपके पास है 243 होल रेज पावर माइनस 2 ओवर 3 और 32 होल रेज पावर माइनस 1 ओवर 5 और 196 होल रेज पावर माइनस 1 और स्क्वायर रूट है आपके पास। तो हमने क्या करना है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम टोटल जो भी अमाउंट्स जितनी भी दी गई हैं, जो हायर अमाउंट्स दी गई हैं, बड़ी अमाउंट्स दी गई हैं, उनको हमने कन्वर्ट कर लेना है स्मॉल इंटीजर्स के अंदर, यानी कि एक्सपोनेंट्स के अंदर हमने कन्वर्ट कर लेना है। सबसे पहले 243 को अगर आप कन्वर्ट करें तो ये आपके पास बनता है 3 रेज पावर 5 और होल रेज पावर माइनस 2 ओवर 3 एज इट इज, ठीक है। और 32 होता है आपके पास, ठीक है, 2 रेज पावर 5 और होल रेज पावर माइनस 1 ओवर 5। अब 3 रेज पावर 5 और 2 रेज पावर 5 आप इसको प्राइम फैक्टराइज की मदद से निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और 196 है, 196 को अगर हम करें तो ये आपके पास होता है 14 रेज पावर 2 होल रेज पावर माइनस 1 और होल रेज पावर माइनस 1, ठीक है, और होल रेज पावर, ठीक है, 1 ओवर 2। 1 ओवर 2 कौन सा है, ये स्केयर रूट है, स्केयर रूट की क्या वैल्यू होती है, 1 ओवर 2 होता है आपके पास, ठीक है। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके जो एक्सपोनेंट्स है ये बन गया, ठीक है, a रेज पावर n होल रेज पावर n, m और n, यानी कि इसको हम पावर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 रेज पावर ये बनेगा 5 to the 10 माइनस 10 ओवर 3 और मल्टीप्लाई, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 रेज पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड पे आपके पास आ जाएगा 14 रेज पावर। अच्छा ये देखो, m, n और ये भी आपके पास 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है पावर्स आपके पास, ठीक है, ये आपके पास -2, अगर ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दें तब भी हो सके, तो -1 है, इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 14 रेज पावर -1 बच जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना, तो हमने कहा था कि फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए सेवन प्रॉपर्टी जो हमने यूज़ की थी, तो इसकी पावर्स को पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है, ये 14 ऊपर आएगा तो +1 हो जाएगा डिवाइड बाय, ठीक है, ये आपके पास 2 रेज पावर -1 है तो नीचे आ जाएगा 2 रेज पावर +1 और ये आपके पास आ जाएगा 3 रेज पावर, ठीक है, 10 ओवर 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब फर्दर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 वन 2 7 14, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 ओवर 3 रेज पावर 10 ओवर 3। अब बाकी सारा तो सिंप्लीफाई हो गया, बाकी ये रह गया 3 रेज पावर 10 ओवर 3 रह गया आपके पास, ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। हम इसको, मैं इस राइट कर रहा हूँ इसको 7 ओवर, ठीक है, 3 रेज पावर 10 और आपके पास क्या बनता है, ये थर्ड रूट बनता है। जो आपने इसका प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा था, प्रीवियस एक्सरसाइज 2.3 में रेडिकल वाली थी फॉर्म, यह रेडिकल फॉर्म है। अच्छा अब यहाँ पे देखें, 3 रेज पावर 10 है, अगर 3 रेज पावर 10 को मैं ऐसे राइट करता हूँ, 3 रेज पावर 10 इज इक्वल टू 3 रेज पावर 3 3 रेज पावर 3 3 रेज पावर 3 और 3 रेज पावर 1, तो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, 3 6 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हम एज इज राइट करेंगे 7 ओवर 3 रेज पावर 3 3 रेज पावर 3 3 रेज पावर 3 और 3 रेज पावर 1 और इसका क्या आ जाएगा, थर्ड रूट आ जाएगा। तो सिंपली जब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ठीक है, इसका रेडिकल सॉल्व करेंगे तो 7 डिवाइड बाय, ठीक है, 3 से ये पावर कट जाएगी, ये भी, यानी कि ये 3 टाइम जो है आउटसाइड पे आ जाएगा और ये 3 रेज पावर 1 और ये इसका थर्ड रूट एज रेज आ जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 7 डिवाइड बाय 3 रेज पावर 3। अगेन हम इसको ऐड करें तो पावर 3 बन जाएगी और थर्ड रूट ऑफ 3, अगर हम इसको ओपन करें तो ये बन जाएगा 7 ओवर 3 रेज पावर 3 कितना होता है, 27 और थर्ड रूट, ठीक है, ऑफ 3, तो ये आपके पास इसका क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम नेक्स्ट करते हैं जी, इसका आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने क्या करना है जी, सबसे पहले जो हाईएस्ट अमाउंट्स हैं उसको हमने एक्सपोनेंट्स के अंदर चेंज करना है। हाँ जी, 81 है, इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो ये बनता है 3 रेज पावर 4
और होल रेज पावर कितनी आपके पास है, एन है, मल्टीप्लाई 3 रेज पावर 5 और माइनस, ये एक कंप्लीट टर्म है और ये माइनस और ये सेकंड टर्म है आपके पास 3 रेज पावर 4 एन माइनस 1 और 243 अभी हमने किया है 3 रेज पावर 5 होता है, कितना होता है 3 रेज पावर 5 और डिवाइड बाय, ठीक है, हाँ जी 9 कितना जी 3 रेज पावर 2, 3 रेज पावर 2 और ये मल्टीप्लाई करेंगे 2n के साथ, ठीक है, या ब्रैकेट यूज कर लें या फिर मल्टीप्लिकेशन यूज करें और मल्टीप्लाई 3 रेज पावर 3, तो हमने सब की बेस को अब सेम बना दिया, ऊपर दो टर्म्स यूज हो रही है, नीचे एक टर्म है, तो हम पूर्व वाली टर्म्स को कंबाइन करते हैं, 3 रेज पावर ये 4n मल्टीप्लाई करेगा, 4n मल्टीप्लाई 3 रेज पावर 5 माइनस 3 रेज पावर 4n माइनस 1, बेस सेम है तो पावर्स को हम क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड बाय, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 3 रेज पावर 2, 2 कितना हो जाएगा 4n और मल्टीप्लाई 3 रेज पावर 3 हो जाएगा आपके पास, तो ये भी बेस सेम है तो इसको भी हम कंबाइन कर लेंगे 3 रेज पावर 4n प्लस 5, ठीक है, और माइनस ये आपके पास आ जाएगा 3 रेज पावर 4n माइनस 1 प्लस 5 प्लस 4 और डिवाइड बाय, ठीक है, 3 रेज पावर 4n प्लस 3। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ना इसको सॉल्व करने के दो मेथड या तीन मेथड यूज किए जाते हैं, अगर बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स करें वो भी ठीक है, अगर हम ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में है 4n प्लस 3, अगर हम इसकी भी पावर 3 रेज पावर 4n प्लस 3 और 4n प्लस 3 बना दें और यहाँ से कॉमन लेके इसकी कटिंग कर दें फिर भी हो जाएगा, या फिर हम इसको जो है पावर 4 है तो इसको भी पावर 4 बना के, ठीक है, कॉमन लेके इसको सॉल्व कर लें फिर भी हो सकता है, आप जो मर्जी मेथड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ जी, इसको हमने डिनोमिनेटर को कैंसिल करना है, सो हमने क्या करना है जी, यहाँ पे भी पावर 3 और यहाँ पे पावर 3 बनानी है, तो 3 रेज पावर 4n, ये जो प्लस 5 था प्लस 5 को मैं चेंज कर रहा हूँ, प्लस 3 पावर यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, ठीक है, और 3 रेज पावर 2 पावर इसकी मैं क्या कर रहा हूँ सेपरेट, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, इस तरह से माइनस 3 रेज पावर 4n, ठीक है, प्लस 4 है तो प्लस 3 यहाँ पे रख रहा हूँ और 1 रह जाएगा आपके पास, तो उसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ, 3 रेज पावर 1 को सेपरेट कर रहा हूँ और डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा 3 रेज पावर 4n प्लस 3। अब इसमें क्या जी, 3 रेज पावर 4n प्लस 3 और 3 रेज पावर 4n प्लस 3 दोनों में क्या आ गई, दो टर्म्स ही सेम बन गए, यहाँ से हम इसको क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो ये आपके पास कॉमन लेंगे 3 रेज पावर 4n प्लस 3 को हमने क्या ले लिया यहाँ से कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या रह जाएगा 3 रेज पावर 2, 3 रेज पावर 2 और माइनस 3 रेज पावर 1, तो 1 पावर हम राइट नहीं करते एज इट इज आ जाएगा और डिवाइड बाय 3 रेज पावर 4n प्लस 3, 4n प्लस 3। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं तो हमने कहा था एक्सपोनेंट्स की मदद से सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, या फिर हम डायरेक्टली कह सकते हैं इसको हम यहाँ पे कट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो बाकी आपके पास कितना बन जाएगा 3 रेज पावर 2 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 3 रेज पावर 2 कितना होता है 9 और आपके पास कितना आ जाएगा 3 और 6, इसका आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेम एज इट इज इसका क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।